तो दोस्तों फाइनली लगातार तीसरे मैच में शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट और नीता अंबानी का बड़ा बयान। अभी सूर्य कुमार यादव बने मुंबई इंडियंस के नए कप्तान। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में लगातार तीसरे मैच में हार के बाद अब मुंबई इंडियंस टीम का बड़ा बयान आया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा कर गया सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस टीम का नया कप्तान बना दिया गया। जी हां दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हो आखिरकार क्या है पूरी खबर, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट करना बिल्कुल न भूले। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, टाटा आईपीएल 2024 का सीजन 17 पूरी तरीके से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और सभी 10 टीमें लगभग 4-4 मैच खेल चुके हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम अभी तक 3 मैच खेल चुकी है, जहां पर तीनों मैच में करारा हार मिलने के बाद अब मुंबई इंडियंस टीम का और साथ ही साथ नीता अंबानी का बड़ा बयान आया है, जहां पर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा करके सूर्य कुमार यादव को अपने नया कप्तान घोषित कर दिया। जी हां दोस्तों, ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम को 7 अप्रैल को अपना अगला मुकाबला खेलना है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और उसके लिए मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट साथ साथ नीता अंबानी ने सूर्य कुमार यादव को अपना नया कप्तान बना लिया। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस टीम को कैप्टनसी को लेकर के आपका राय क्या, आप अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।